जबलपुर के बसेड़ी कस्बे के गांव ताजपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब कक्षा 3 में पढ़ने वाले 8 वर्षीय एक बच्चा खेलते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर घर पर कोहराम मच गया। मामले की सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस, तहसीलदार और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार स्कूल में खेलते समय ये हादसा हुआ, जहां बच्चों की बॉल खेलते समय रसोई की छत पर चली गई, जिसे लाने के दौरान मासूम करंट की चपेट में आ गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं स्कूल प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीणों में अब आक्रोश देखा जा रहा है। विद्यालय में जो आज प्रातः 8:30 बजे एक बच्चे जो बिजली के करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई है, इस संबंध में क्या है कि विद्युत जो लाइन है वो पीछे भवन से गुजर रही है और उसके नंगे तार हैं। अगर ये नंगे तार नहीं होते ये बालक की दुर्घटना नहीं हो पाती। विद्यालय परिसर में किसी प्रकार का कोई नहीं है और विद्यालय से पूर्व समय में ये घटना घटित हुई है, इसमें विद्यालय प्रशासन का कोई दोष नहीं है।